कहते हैं सब दिन होत न एक समाना कुछ वैसा ही हुआ है ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप इस तस्वीर में आपको मंदिर जाते हुए चाइनीज दिख रहे हैं आपको लग रहा होगा धर्म कर्म कर रहे हैं जी नहीं चाइना में आया है भीषण आर्थिक संकट और अंदर मची है हाहाकार ढह गया है चाइना का आर्थिक किला और वही वाला हाल हुआ है जो हाल कभी हुआ था जापान का और इन सब के बीच में भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही ही है भारत चाइना को रिप्लेस कर रहा है जानेंगे जियो में क्या कुछ चल रहा है चीन की सच्चाई किस तरीके से बाहर आई है आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं, छोटा सा देश जापान 1970 और 1980 का समय था यानी करीब 10 साल ये 10 साल ऐसे थे की इन दस साल में जापान ने इकोनॉमी के मामले में बहुत तेजी से उड़ान भरी बहुत तेजी से ये आगे निकलता चला गया इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हो या फिर और किसी चीज का मार्केट हो छोटा सा देश जापान जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी हर चीज में मेड इन जापान मेड इन जापान लिखा हुआ आता था जापानी चीजों के बारे में तो हम लोग भी देखते थे कि बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम खास तौर पर जापान की भरमार आती थी उसके बाद गाड़ियों की बात हो और भी सेक्टर हो जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ा और ये जापान जब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था तब लग रहा था कि इसे तो कोई रोक भी नहीं पाएगा आर्थिक तौर पर यह बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और तब जापान में एक सेक्टर था जो इंटरनल तरीके से यानी अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा बूम में था और वो सेक्टर था रियल इस्टेट का सेक्टर यानी घर बनाने का सेक्टर अचानक से 1990 का समय आता है और 1990 के समय में इनका रियल इस्टेट पूरी तरीके से चरमरा जाता है और गिरने लगता है जैसे ही ये गिरने लगता है मार्केट में अफरा तफरी मचने लगती है और इस अफरा तफरी में जा जापान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है ठीक एक फूले हुए गुब्बारे की तरफ फट जाती है अब सारी चीजें रियल इस्टेट से ही क्यों जुड़ती है ये कहानी कुछ मिलती जुलती नहीं लग रही है कि चाइना चाइना का भी इस वक्त क्या हाल है चाइना का हाल ये है कि चाइना का रियल इस्टेट सेक्टर बर्बाद हो चुका है क्या चाइना का बलून फूट रहा है तो आपको बता दें बिल्कुल सही चाइना के हालात बहुत गंभीर हो गए हैं और चाइना के अंदर हाहाकार मचा हुआ है ये बात मैं बिना सबूतों के नहीं कह रही हूँ ये बात तो चाइना छिपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये बात अब निकल कर सामने आती जा रही है मई महीना का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा दिखा रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है चाइना चाइना ने महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन भी बहुत कड़े तरीके से हालांकि यह मत सोचिए कि जिनपिंग ने अपने लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया था संयोग ऐसा था कि वो दो साल और उसके बाद चाइना में राष्ट्रपति चुनाव होना था जिनपिंग चाहता था किसी तरीके का कोई विरोध खड़ा न हो दुनिया भले ओपन हो चुकी थी लेकिन चाइना में जिनपिंग ने लॉकडाउन को टूटने नहीं दिया ताकि वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति बन जाए उसे किसी तरीके का कोई दिक्कत न हो स्थिति ऐसी थी की जिनपिंग अपने देश ऐसी बाहर भी नहीं निकल रहा था लॉकडाउन तो आखिरकार तब खोला गया जब बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और चाइना में लोगों ने खाना मांगना शुरू कर दिया तब जाके जिनपिंग ने लॉकडाउन को खोला और वो भी कब जब राष्ट्रपति वो बन गए चुने गए उसके बाद उन्होंने खोला अब बात आई कि इकोनॉमी को पटरी पर लाना है सब कुछ तो खुल गया है लॉकडाउन खुल गया है तो अचानक से पटरी पर तो आता दिख नहीं रहा है चाइना का ट्रेड बुरी तरीके से गिर रहा है एक्सपोर्ट करीब दो सौ बिलियन डॉलर कम हुआ है और अप्रैल के महीने में जो ग्रोथ हुई थी मई के महीने में वो गिरती हुई दिख रही है इम्पोर्ट में भी कमी आई है करीब दो सौ प्रतिशत की कहा जा रहा है कि चाइना का एक्सपोर्ट 7.5 प्रतिशत गिरा है और इम्पोर्ट भी 4.5 प्रतिशत गिरा है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यहाँ पर अब दिक्कतें क्या हो रही है दिक्कतें हो रही है कि एक यहाँ अंदर धीरे धीरे इकोनॉमी में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है डिमांड आ नहीं रहे हैं कोई देश इन्हें ऑर्डर नहीं दे रहा है इनके अलावे दूसरा ऑप्शन ढूंढा जा रहा है लेकिन जल्दी इन्हें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से दुनिया अब नहीं दे रही है ऑर्डर और ऑर्डर में लगातार कमी देखने को मिल रही है कारण भी बताएंगे की कारण क्या है पर स्थिति इतनी भयानक हो गयी है चाइना की कि चाइना की जो जनता है वो जनता अब मंदिरों में जाने लगी है एक बड़ी जनसंख्या है यंग लोगों की और ये लोग आजकल मंदिरों का दरवाजा खटखटाने लगे हैं क्यों क्योंकि आपको बता दें ये चाहते हैं कि अब भगवान हमारी मदद करे आ गया है कि बीजिंग का एक टेंपल है योंगे टेम्पल जहाँ पर मार्च और अप्रैल महीने के तुलना में देखा जा रहा है की लोग पांच ज्यादा हैं, हैं और इनमें सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है सबसे बड़ी जनसंख्या है यंग लोगों की जो रोजगार चाहते हैं काम चाहते हैं और उन्हें काम मिल नहीं रहा है ये एक सीन है आप देख सकते हैं ये सीन कब का है ये है मई तीस मई 2023 का ये बीजिंग के एक रेस्टोरेंट का सीन है जहाँ पे हालात ऐसे हैं कि कस्टमर आया नहीं है और डिलीवरी बॉय बाहर बैठकर मोबाइल देख रहा है इस वक्त कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर जो यंग लोग हैं उनके पास काम की कमी है और ऐसा प्रतिशत 24 प्रतिशत के आसपास है आपको बता दें इन सब के बीच में चाइना ने एक और चाल चली और चाइना ने सोचा डॉलर की जगह हम युआन को सामने ले आए और ब्राजील बांग्लादेश अर्जेंटीना इनसे बात करी की युवान में सेटलमेंट करो कुछ हद तक ये चीजें सफल भी हो रही थी लेकिन आपको बता दें ये चीज भी फेल होती हुई नजर आ रही है जो एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है जो दुनिया भर की आकांक्षाएं हैं उसको युवान पूरा नहीं कर पा रहा है युवान को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाना इतना आसान नहीं है इसलिए आसान नहीं है क्योंकि दुनिया भर के देश यकीन नहीं कर रहे हैं डॉलर से झटका खा चुका है रूस और ये दुनिया के देश देख रहे हैं ऐसे में ये नहीं चाहते है की अब अगली बारी हम चाइना के अंदर चले जाए और चाइना फिर हमें जैसे नचाए हम वैसे नाचे वैसे आपको बता दे चाइना के हालात इस वक्त इतने बुरे हैं कि फैक्ट्री पे स्ट्राइक चल रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी बाहर निकल रही हैं तो अब क्या समय आ गया है चाइना के गुब्बारे के फूटने का दूसरी तरफ भारत अपनी जीडीपी बरकरार रखे हुए है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो 10 साल है ये 10 साल भारत का है और इसमें भारत वैसे ही ग्रो करेगा जैसे चाइना ने ग्रो किया दुनिया भर में मंदी छाई हुई है लेकिन भारत मंदी में नहीं जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा है आगे बढ़ने का और ऐसा सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बिल्कुल सही है यही वजह है कि भारत की ग्रोथ को अगले दस साल कोई भी नहीं रोक सकता है ये जो शख्स देख रहे हैं ये है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन इन्होंने कहा कि ये समय है भारत का और भारत बहुत तेजी से सात साल हो दस साल हो पंद्रह साल हो चाइना की बराबरी कर जाएगा ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ